नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, वो हम यहाँ पर टॉपिक्स की लिस्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत कम है समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, फिर है सेक्शन फार्मूला, फिर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन तीन फार्मूलों के बेस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर ये तीन फार्मूले आप लोगों ने याद कर लिए तो मतलब आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है कैसे करके करे जाएंगे और करने जो है आपको ही है। ठीक है, तो हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद जो है मैं फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला को अगर हम छोड़ दें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एटलीस्ट हमारे पास दो पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर मैं जो है किसी एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है, तो एक मेरा ओरिजिन ये होगा और डेस्टिनेशन ये होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। इन दोनों पॉइंट्सों को अगर मैं एक लाइन से कनेक्ट कर देता हूं तो ये बन जाती है मेरी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है एक पॉइंट, लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक पॉइंट हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को ए कह देते हैं और एंड पॉइंट को बी कह देते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, एक्स वन और वाई वन। बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, एक्स टू और वाई टू। ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक ए के कोऑर्डिनेट लिख लिए हमने और दूसरे हमने बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो यहाँ पर मैं जो है अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमें जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी हो, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। इंग्लिश में हम जो है इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हिंदी में हम इसको कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये हमारा किस चीज का फार्मूला है, ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे दूरी निकालनी हो तो मैं इस फार्मूले से निकाल दूंगा। देखो मेरे पास x2 भी है, x1 भी है, y2 भी है, y1 भी है, मैं जो है सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दूंगा और मेरे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम जो है अपना डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। अब दूसरा फार्मूला जो है हमारा वो है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम जो है देखते हैं सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है। तो दूसरा है हमारा
सेक्शन। अब सेक्शन फॉर्मूला को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं जो है यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक पॉइंट क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, हमारा क्या होगा एक्स वाई, पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स वाई हो जाएंगे। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मुझे ओरिजिन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है हमारा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दोनों जो है गिवन है, तब हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ओरिजिन से निकालनी है, अगर हमें दूरी जो है कहां से निकालनी है ओरिजिन से निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ओरिजिन क्या होता है, कि अगर मैं जो है एक कोई ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये मेरा कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ओरिजिन मेरा क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। और इतना आप लोगों को पता ही होगा कि ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और ओरिजिन पर वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं अपनी जो है वैल्यू रखता हूँ कि एक बार एक्स जो है मेरा जीरो हो जाएगा, जैसे मान लो कि एक पॉइंट मेरा ये है, और एक पॉइंट मेरा ये है, एक्स एक्सिस का पॉइंट ये हो जाएगा, वाई एक्सिस का पॉइंट ये हो जाएगा। अब मुझसे ये कह रहा है कि मुझे ओरिजिन से जो है दूरी निकालनी है, अब ओरिजिन मेरा ये है और मेरा x1 या x2 मान लो मेरा ये है और ये मान लो मेरा y2 है, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और y1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा इस वाले, इसको मैं जरा लिख देता हूं कि ये मेरा फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हमें बार बार करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो, आप देखो मेरे पास x1 भी है, x2 भी है, y1 भी है, y2 भी है। अब मुझे ओरिजिन से जो है दूरी पूछ रहा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x2 क्या है, ये है x2, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अब x2 तो मेरे पास है, ठीक है, मैंने x2 अपना लिख लिया। अब माइनस, यहां पर मैंने लिख लिया अपना x2 माइनस, ठीक है। अब x1 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो x1 है, तो यहां पर एक चीज ये देखो, x1 जो है वो हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं यहां पर x2 माइनस जीरो का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, प्लस। अब y एक्सिस की बात करते हैं, तो y एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो देखो y2 तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है ही, क्योंकि ऊपर की साइड है, तो मतलब y की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, अगर नीचे की साइड होती तो नेगेटिव वैल्यू होती, ठीक है। अब y2 तो मैंने लिख दिया, अब क्या लिखना है मुझे, y1 लिखना है। अब y1 जैसे हमने x1 की वैल्यू जो है जीरो लिखी, वैसे हम y1 की वैल्यू भी जीरो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि y1 जो है वो हमारा ओरिजिन है, y1 हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये अंडर रूट हमारा जो है फॉर्मूले में है। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला जो है ओरिजिन वाला हमारा यहां से आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। अब हम बात करते हैं अपना सेकंड जो हमारा टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की भी ऐसे ही छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है। वो लिख लेते हैं हम कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे। ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो एम वन रेशियो एम टू। ठीक है, अब इसके अंदर जो है थोड़ी सी चेंजेस आ गए, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या आ गए कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स एंड वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट और हम डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हमको जो है बनानी पड़ रही थी। कैसे बनानी पड़ रही थी कि हमारे पास एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था, एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट दिया हुआ था। तो जब दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे तो हम जो है एक लाइन सेगमेंट उसमें ड्रॉ कर ले रहे थे। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि हमको जो है लाइन सेगमेंट जो दी हुई है उसको हमें डिवाइड करना है। मान लो ये मेरी कोई लाइन सेगमेंट है, इसको मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है कि एक साइड जो है वो M1 हो जाएगी, दूसरी साइड हमारी M2 हो जाएगी। एक जो लाइन सेगमेंट होगी उसको अगर हम कट करेंगे, कहीं से भी कट करेंगे, तो उनका जो रेशियो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। एक साइड मेरे पास छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, दोनों साइड है। तो एक साइड जो है मेरी M1 हो जाएगी, दूसरी साइड मेरी M2 हो जाएगी। तो ये रेशियो जो है वहां से आएगा M1 is to M2। ठीक है, तो अब मैं जो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मैं इसको बीच में से कहीं से मान लो यहां से मैं कट कर दे रहा हूं, मतलब सेक्शन बना दे रहा हूं। अब देखो एक सेक्शन मेरा ये हो जाएगा और दूसरा सेक्शन मेरा ये हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो एक सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एओ हो जाएगा, दूसरा मेरा ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो एओ जो है वो मान लीजिए मैंने एम वन मान लिया और ओ बी मान लिया मैंने एम टू। तो ये रेशियो जो आएगा वो यहां से आएगा, ये जो एम वन इसको एम टू लिखा हुआ है तो ये एम वन इसको एम टू यहां से आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरा एम वन एक्स टू। ठीक है, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला एक्स एक्सिस का। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस का। अब मैं अगर जो वाई एक्सिस का लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एम वन y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया y एक्सिस का। अब मेरे पास अगर मुझे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखो मुझे ये दोनों जो है अप्लाई करने पड़ेंगे, ये मुझे दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। एक से मुझे x की दूरी जो है, x की लेंथ जो है पता चल जाएगी और दूसरे से मुझे y की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, रेशियो मैंने आपको समझाई दिया है कि रेशियो जो है क्या होगा, मेरा फॉर्मूला भी आपको गिवन है। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो गया कि हमको जो है इसमें करना क्या है। अब एक होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक होता है हमारा
मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ने से पहले थोड़ा सा जरा इस टर्म पे जरा ध्यान दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मिड मतलब बीच में, पॉइंट मतलब कोई बीच का पॉइंट है, कोई बीच का पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूले से अगर मैं जो है थोड़ा सा अगर रिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं जो है यहां से इसको रिलेट कर पाऊंगा। कैसे रिलेट कर पाऊंगा वो मैं अभी यहां पर देखता हूं। देखो अगला टॉपिक क्या है मेरा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा कि जो हमने सेक्शन फॉर्मूला के अंदर करा है, ये देखो ये जो हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर करा है वैसा ही कुछ हमें जो है उसके अंदर करना पड़ेगा। किसके अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर हमारे पास जो है एक चीज जो है कम हो जाएगी सेक्शन फॉर्मूले से, एक चीज कम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी एम वन और एम टू का रेशियो जो है वो हमारा कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, मतलब मैंने क्या बोला कि मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर M1 और M2 जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं यहां से X1 प्लस X2 अपॉन 2 ये हो गया मेरा X एक्सिस का, और Y एक्सिस का अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कि अगर मैं किसी भी लाइन सेगमेंट को बीच में से मतलब मिड में से अगर मैं कट करता हूं तो उनकी जो है लेंथ जो है मेरी क्या हो जाएगी, तो ये जो है मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब ऐसे ही अगला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए अब एक चीज मैं जो है ये बताता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमने बचपन से लेकर आज तक हमने क्या पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यही पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही तो पढ़ा है। लेकिन अब मैं एक जरा सवाल ये पूछता हूँ कि अगर मेरे पास बेस और हाइट नहीं दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो क्या मैं अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। पॉसिबल कैसे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला जो है लिखता हूं कैसे करके मैं अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लग रहा है कि यहाँ पर कहाँ x1 आ गया, कहाँ x2 आ गया, कहाँ पर y1 आ गया, कहाँ पर y2 आ गया। तो देखो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको याद करने का और इसको लिखने का एक तरीका है। कैसे कि देखो अगर मैं जो है कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो ट्रायंगल के लिए मुझे एटलीस्ट तीन पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, तीन होती है। ठीक है, तो तीन साइडों से हमें जो है तीन पॉइंट्स, हमें पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें जो है तीन पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। अगर दो होंगे तो भी काम नहीं होगा, चार होंगे तो भी काम नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट जो है हमारे पास तीन पॉइंट्स होने चाहिए। अब जैसे मान लो कि एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, ये मेरे पास तीन पॉइंट जो है गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर देता हूं, इन तीनों पॉइंट्स को मैं जो है ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां पर ये देखो मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया और तीसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया, दिख रहा होगा।
अब देखो ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये बता रहा हूं मैं, ये कैसे करके आप जो है अपने आप से जो है ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट जो है मेरे पास ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब जो है क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो मैंने लिख लिया एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूं तो लिख लिया मैंने एक्स टू वाई टू। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, यही तीन तो हैं x के, मतलब x के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन ही तो हैं। देखो x1 है, x2 है, x3 है, x1 है, x2 है, x3 है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगर हम y1 की बात करते हैं, देखो y1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ, तो हमारे इस फॉर्मूले में कहीं y1 है, y1 है, y1 है। ठीक है, मतलब y1 हमारा सही है, y2 भी है, y3 भी है। देखो y2 y3 y3 है यहाँ पर y2 है। ठीक है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो यहीं से बना है, हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा यहीं से बना है। तो हम जो है अब फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है फॉर्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, देखो इतना हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमने शुरू से अब तक पढ़ा है वो हमारा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। ठीक है, तो देखो हाफ बेस इंटू हाइट का, देखो हाफ तो आना ही आना है, हाफ तो आना ही आना है। अब जो है कंफ्यूजन किसमें है, x1 कहाँ आएगा, x2 कहाँ आएगा, y2 कहाँ आएगा, y3 कहाँ आएगा, यही तो कंफ्यूजन, मेन कंफ्यूजन जो है वो हमारा यहीं पर है। तो ये चीज देखो क्लियर कैसे हो जाएगी, आपको जो है पहले फॉर्मूला लिखना है, आपको जो है फॉर्मूला लिखना है, नंबरिंग जो है उसकी हम बाद में करेंगे। ठीक है, कैसे करके फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉइंट टू देखो एक्स और y माइनस वाई, इतना पता होना चाहिए कि y जो है अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर, x जो है ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ठीक है, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। आई होप इतना जो है लिखने में या याद करने में कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, तो चलो मैंने ये लिख लिया, इतना तो मैंने याद करके मैंने जो है लिख लिया। अब कंफ्यूजन क्या था हमारा कि मैं वन कहाँ लिखूंगा, टू कहाँ लिखूंगा, थ्री कहाँ लिखूंगा, कहाँ पर एक्स वन लूंगा, कहाँ पर वाई टू लूंगा, कहाँ पर एक्स थ्री लूंगा, कहाँ पर वाई थ्री लूंगा। ठीक है, तो देखो इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वन से, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वन से। तो हम जो है नेचुरल नंबर जो है हमें इसमें फिल करने हैं, कैसे करके फिल करने हैं, देखो सबसे पहले हमें जो है x1 लिखना है, सबसे पहले हम जो है x1 को लेके चलेंगे। ठीक है, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक दो तीन, तीन तक ही लेके चलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितने हैं, तीन, तो हम जो है तीन तक ही लेके चलेंगे, एक हो गया 1 2 3। ठीक है, अब देखो x1 तो मैंने अपना जो है लिख लिया, x1 तो मैंने अपना लिख लिया, अब x1 के बाद क्या आएगा मेरा, x2 आएगा, x3 तो नहीं आएगा अभी, x1 के बाद क्या आएगा मेरा, x2 आएगा। चलो मैंने x2 लिख लिया, अब देखो 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हैं, तीन हैं, तो तीन के बाद हम जो है फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, तीन के बाद हम जो है फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, तो देखो टू थ्री वन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, अब क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे। अब देखो 3 के बाद मैंने क्या रिपीट करा था, 3 के बाद क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, और 1 आएगा यहाँ पर, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। देखो फॉर्मूला आपका एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला है, एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये इसकी जो है नंबरिंग हो गई, देखो वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू। ठीक है, अगर मुझे कभी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना हो तो मैं जो है इस फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा और मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जो है अगर हम करें तो देखो मैं ये x1 और x2 और x3 और y1 y2 y3 जो है कोऑर्डिनेट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ले लेता हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, बहुत छोटी छोटी से न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
शायद पॉजिटिव वैल्यू आए, शायद नेगेटिव वैल्यू आए। क्वेश्चन देखो, ए जो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 2 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 4 है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 5 और 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो है कैसे करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 ठीक, x1 y2 y3। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, x1 लेना है। अब देखो यहाँ पर मुझे पता कैसे चलेगा कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, x3 कौन सा है, y3 कौन सा है। देखो x1 के साथ जो है y1 आएगा, x2 के साथ जो है y2 आएगा, और x3 के साथ y3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मेरा x1 और y1, ठीक है, और ये हो गया मेरा x2 और ये y2, और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है, अब तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है हमारा। अब x1 की जगह पर मुझे कितना रखना है, 1, ठीक है, और अब क्या करना है, y2 माइनस y3, तो मतलब 4 माइनस 6, ठीक, प्लस अब देखो x2 लेना है, अब क्या लेना है मुझे, x2 लेने के लिए x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। अब x2 के साथ क्या है, y3 माइनस y1, y3 कितना है 6 और y1 कितना है 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है, x3 लेना है, x3 कितना है मेरा, 5 है, ठीक। अब 5 के साथ में क्या है, y1 है और y2 है, अब देखो y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 4 है, तो मतलब 2 माइनस 4 हो गया। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो है चीजें दी हुई हैं, वैसे वैसे जो है आपको वैल्यूज उठा के क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है, फॉर्मूले के अंदर सॉरी पुट कर देनी है, आपका आंसर जो है अपने आप निकलता चला आएगा। अब देखो अब इसको आप जो सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करना है, देखो 1/2 और ये 4 माइनस 6 मतलब -2, और -2 × 1 -2 प्लस ये देखो 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, प्लस अब देखो 2 माइनस 4 मतलब -2 × 5 मतलब -10, तो ये प्लस का साइन जो है माइनस का हो जाएगा हमारे यहाँ पर -10। ठीक है, अब देखो 1/2 और ये कितना हो गया -12 और ये हो गया +12, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मतलब 0 हो गया, ये जो है 0 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर आपके पास वैल्यू जो है 0 निकल कर आ गई, यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है अगर 0 निकल कर आ गई, तो आप जो है ये कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखे हैं ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं ये जो है कोलिनियर फॉर्म में होंगे, ये जो है कोलिनियर फॉर्म में होंगे। अगर मुझे जो है कोलिनियर जो है चेक करना है, अगर मुझे कोलिनियर पॉइंट्स जो है चेक करने हैं कि जो है अगर मेरे पास पॉइंट्स जो है मुझे गिवन है, कोऑर्डिनेट जो है मुझे गिवन है, तो मुझे जो है ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में, जैसे ये कोई एक लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये 3 पॉइंट्स जो है ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं, ये 3 पॉइंट्स जो है ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट अलग होना चाहिए, दूसरा पॉइंट अलग होना चाहिए, तीसरा पॉइंट अलग होना चाहिए। अब तीनों एक ही लाइन में पॉइंट हो जाएंगे तो वो तो लाइन सेगमेंट या लाइन बना देगा ना हमारी, तो इसीलिए जो है ये पॉइंट्स अगर जो है एक ही लाइन में आते हैं तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर एक लाइव एग्जाम्पल जो है आपको समझाया जाए कोलिनियर का, तो देखो अगर कभी आप मार्केट में जाते हो, ठीक, तो मार्केट में जो है लाइन से दुकानें लगी हुई होती हैं, मार्केट में लाइन से जो है दुकानें लगी हुई होती हैं, तो हम जो है उनको ये कह सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये कोलिनियर हैं, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब जो है क्या होगा हमारा, कि ये सारी की सारी दुकानें जो है वो एक ही लाइन में है। अगर कोई भी दुकान जो है अगर अलग हो जाती है तो मतलब लाइन से अलग होती है, तो वो जो है हमारी दुकान जो है कोलिनियर नहीं होगी, और बाकी जो एक ही लाइन में दुकानें होंगी वो सारी की सारी कोलिनियर होंगी। तो अगर मुझे कोलिनियर पॉइंट्स जो है चेक करने हैं, तो उसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है, ठीक है, वो फॉर्मूला हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स,
कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट जो है चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का है वही एज इट इज फॉर्मूला जो है हमारा चेक करने के लिए है, बस फर्क क्या है कि इसके अंदर 1/2 आ जाता है और कोलिनियर पॉइंट के अंदर 1/2 जो है हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, तो एज इट इज फॉर्मूला जो है आप मॉड के अंदर लिखेंगे, मतलब मॉड के अंदर लिखेंगे, ये होता है मॉड का साइन होता है, तो मॉड का साइन जो है हम लगाते हैं। तो देखो मॉड का साइन लगाने का एडवांटेज क्या होता है, अगर आपके इस मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती है, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो आपके पास जब आप वैल्यू जो है वो बाहर निकालेंगे तो वो वैल्यू जो है पॉजिटिव की बाहर आएगी आपके पास, चाहे नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की हो। ठीक है, सो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये मॉड का बंद हो गया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जो है जीरो आता है, अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास जो बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है। ठीक, अगर मैं यहां से हाफ हटा दूं, अगर मैं यहां से 1/2 हटा दूं अपना, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मुझे यहां से क्या पता चल जाएगा कि अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट अगर 1/2 लेता हूं, बी के कोऑर्डिनेट 3/4 लेता हूं, सी के कोऑर्डिनेट 5 और 6 लेता हूं, तो मेरे पास जो है जो पॉइंट्स जो आए, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो मैंने अभी सॉल्व करे हैं, वो मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का और वो रहा हमारा मतलब कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी तक क्या क्या समझा है, सबसे पहले मैंने समझा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हमने समझा सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेक्शन फार्मूला हमारे पास ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमने समझा मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमने समझा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद हमने जो है एक चीज देखी चेकिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, अगर मुझे कोलिनियर पॉइंट जो है चेक करने हैं तो मैं जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो देखो मेरे पास टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फॉर्मूले हो गए। इन 5 फॉर्मूले के बेसिस पर ही आपका जो है पूरा चैप्टर जो है गिवन है। अब देखो इन 5 फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो भी आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमारे इन्हीं 3 से आएंगे, और ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है और चेकिंग वाला जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे 1 या 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास छोटे आएंगे और इनके न्यूमेरिकल जो है थोड़े से बड़े आएंगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। तो जो है मतलब ज्यादा ध्यान किस पे देना है, इन 3 फॉर्मूले पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके ज्यादातर जो है वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपको जो है पहले क्वेश्चन जो है समझना पड़ेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, आपको जो है ओरिजिन से निकालना है, तो ओरिजिन से निकालने के लिए यहाँ पर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन से अगर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला एक अलग ही दिया हुआ है √x² + y² आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम अगले लेक्चर में हम जो है ये देखेंगे कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम जो डिस्टेंस फार्मूला के देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल समझो सेक्शन फार्मूला के देखेंगे, और जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखेंगे, और इन दो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनके भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें जो है हमारी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जो है इसके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।